हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जो एक्सरसाइज नंबर जो 5 है, क्योंकि जब आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कराई थी तो वहाँ पर हमने दो चैप्टर पढ़े थे। यूनिट नंबर जो आपकी 3 है उसमें आपके दो चैप्टर थे। पहला चैप्टर आपका कौन सा था? पहला चैप्टर था आपका कि समघात रैखिक अवकल समीकरण। पहला चैप्टर आपका ये था समघात रैखिक अवकल समीकरण। दूसरा चैप्टर आपका क्या था? युगपद अवकल समीकरण। ठीक है, इस तरीके से यहाँ के दो चैप्टर थे। पहला तो कौन सा था? समघात रैखिक अवकल समीकरण, और दूसरा कौन सा था? युगपद अवकल समीकरण। इस तरीके से हमारे दो चैप्टर थे वहाँ पर। तो एक चैप्टर तक ये तो कंप्लीट पढ़ चुके हैं, समघात जो रैखिक अवकल समीकरण है वो हम कम्प्लीटली इसको स्टडी कर चुके हैं। इससे संबंधित जो भी आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो भी पढ़ लिया, उसके बाद की जाए इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने पढ़ लिया वहाँ पर। और उन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद, यानी उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनको देखने के बाद भी यदि आपके पास और भी कोई यदि कोई डाउट यदि रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में इस चीज़ को बता सकते हो, ताकि जब भी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ पर हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे वहाँ पर। ठीक है, जैसे मुझे पता लगेगा कि वो कमेंट्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है, युगपत अवकल समीकरण। तो बात की जाए युगपत अवकल समीकरण की, तो हमारे पास कोई भी जो भी हमारे पास समीकरण होगी, हमारे पास जितनी भी समीकरण होती हैं वो समीकरण दो तीन प्रकार की होती है। किस तरीके से होती है? सबसे पहले बात की जाए कि जैसे आपके पास इस तरीके का कोई समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि y इक्वल टू क्यू एक्स रूप में भी आप इसको ले सकते हो। ये हमारे पास एक समीकरण है जहाँ पर आपने क्या समझा कि यहाँ पर एक तो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो आपके पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो कौन सा आपके पास? x। तो ये जो इक्वेशन थी वो आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल से रिलेटेड थी, जहाँ पर एक तो था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसे बात की जाए यहाँ पर कि हमारे पास जब किसी समीकरण में दो से अधिक वेरिएबल हो जाए वहाँ पर, तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा था कि एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पर। अब बात है जब हमारे पास मेनी वेरिएबल हो, कि जब बहुत सारे वेरिएबल हो तब जाके, कि जब हमारे पास दो से अधिक वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में किस तरीके से हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं, वो उसकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे यहाँ पर, युगपत अवकल समीकरण के अंतर्गत। अब बात है कि जब हमारे पास मेनी वेरिएबल हो तो मेनी वेरिएबल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली तो कौन सा है कि जब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो ज़्यादा हो, कि जब हमारे पास मेनी वेरिएबल में भी क्या ज़्यादा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो, और दूसरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो। समझ आ रही है आपको बात? ही दोनों चीज़ें कि एक तो मेनी वेरिएबल का मतलब है जब दो से अधिक चरों आकर, दो चरों तक तो सीमित सी बात है कि एक तो इंडिपेंडेंट होगा एक कौन सा होगा डिपेंडेंट होगा। क्लियर बात है? ठीक है, जैसे आपसे बात की जाए कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल की एरिया से यदि आप इंडिकेट करते हो तो इसके एरिया को कैसे डिफाइन किया जाता है कि पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज द कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कौन है यहाँ पर आर। तो क्या समझे आप यहाँ पर कि एक ही तो आपके पास स्वतंत्र चर है और एक ही आपके पास क्या है परतंत्र चर है, यानी ये चेंज होगा तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा वहां पर। तो ये सिंपल सी बात थी कि वृत्त के एरिया से रिलेटेड आपने देखा कि ये क्या होगी, सिंपल एक हमारे पास इक्वेशन थी जहां पर एक तो कौन सा था आपके पास डिपेंडेंट और एक कौन सा था इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब बात की जाए आपकी कौन सी कि आपको क्या निकालना है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब एरिया हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसके वेरिएबल देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उसकी लेंथ पर और एक इसकी ब्रेड्थ पर। यहाँ पर तो लेंथ चेंज होगी तो भी एरिया चेंज होगा, और यदि ब्रेड्थ चेंज होगी तो भी क्या होगा एरिया चेंज होगा यहाँ पर। तो यदि हम कंसिडर करें कि उसकी लेंथ को T1 से डिनोट करूँ और उसकी ब्रेड्थ को मैं T2 से डिनोट करूँ, तो जो एरिया है यहाँ पर ए वो दो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, करता है नहीं करता है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। समझ रहे हो आप इस बात को कि यहाँ पर आपने देखा कि सर्किल के जो एरिया है उसमें तो सिंपल सी बात है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो एक था, लेकिन जब बात आती है रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल में एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है टू वेरिएबल्स के ऊपर, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इनके बेस पे ही हमारा जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो डिफाइन होगा, और इसको और मॉडिफाई करो। अब बात आती है हमारे पास किसका एरिया, यदि बात की जाए वॉल्यूम की, तभी एरिया को छोड़ा वॉल्यूम पर बात करो, वॉल्यूम मतलब आयतन पर,
कि जब वो आयतन पर बात करोगे तो हमारे आयतन को हम बी से यदि इंडिकेट करें तो आप जानते हो कि आयतन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, ब्रेड एंड हाइट, तीन तीन चीज पर डिपेंड करता है। यदि ये चेंज होगा तो भी वॉल्यूम चेंज होगा, ये चेंज होगा तो भी चेंज होगा, ये चेंज होगा तो भी यहाँ पर चेंज होगा। यदि मैं लेंथ को डिनोट करूँ T1 से, इसको डिनोट करूँ मैं T2 से और इसको डिनोट करूँ मैं T3 से, तो आप क्या समझोगे यहाँ पर कि जो वॉल्यूम है वो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है और तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो खुद क्या हैं, तीनों के तीनों वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है, वी। तो बात आ गई हमारी यहाँ पर कि जब हमारे पास वेरिएबल मैनी वेरिएबल हो, जब चरों की संख्या क्या हो, दो से अधिक हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो क्वेश्चंस की जो संभावना है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पहली तो कौन सी कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी संख्या क्या हो, ज्यादा हो, पहली कंडीशन तो। और दूसरी क्या है, ऐसी कंडीशन की जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो, यानी स्वतंत्र चरों की संख्या ज्यादा हो, एवं दूसरी कंडीशन है कि जब परतंत्र चरों की संख्या ज्यादा हो। जैसे बात की जाए कि एक किस तरीके का फंक्शन है, किस तरीके का, कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल, एक्स इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल T1, T2, T3, ठीक है। और दूसरी कंडीशन को लेकर चलूं मैं कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल T1, वाई इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल T1 और जेड इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल T1। कि देखो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही तीनों के तीनों में, लेकिन यहाँ पर ये तीनों का जो युग्म है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर तीनों का जो मेथड है हमारा, ये एक्स वाई और जेड, ये तीनों के तीनों समीकरण एक ही, हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट होगा या कोई भी जो कार्य होगा उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, एक ही रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल देखो अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपको सुन में आया यहाँ पर कि मैनी वेरिएबल भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से, कि एक तो कौन सी बात है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो, जो कि आप एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे थे, एक तो वॉल्यूम वाला और एक एरिया वाला। एरिया वाले में देखा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो थे और वॉल्यूम वाले में हमने क्या देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन थे, ठीक है। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां पर हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा आ जाती है तो उस कंडीशन में हमें डिफरेंशिएशन ज्यादा करने पड़ते हैं, और जब ज्यादा डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्योंकि एक वेरिएबल के साथ जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अनदर वैल्यूज पर भी डिपेंड करता है। जैसे बात की जाए यहाँ पर कि हमारे पास एक क्या है, एरिया है, एरिया है, और इसकी लेंथ को मैं T1 से डिनोट कर रहा हूँ और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको T2 से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जो एरिया है इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाउंड आउट करना है यहाँ पर। अब मैं इसका किसके सापेक्ष करूँ यहाँ पर, कि ना तो यहाँ पर T1 सिंगल वेरिएबल है ना यहाँ पर T2 सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि जो एरिया है वो तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं वो पार्शियल करते हैं, यानी हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कौन कौन से फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आप डेल ए अपॉन डेल T1 भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि ये कहलाएगा कि उस कंडीशन में T2 को क्या कर रखा है, स्टेबल कर रखा है और T1 वेरी कर रहा है वहाँ पर। और अनदर कंडीशन में दूसरा क्या देख सकते हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल A1 अपॉन डेल T2। अब की बार क्या होगा कि एरिया के ऊपर कौन जिम्मेदार है एरिया चेंज होने के लिए, T2 वेरिएबल। यहाँ पर T1 को क्या रख रखा होगा, कॉन्स्टेंट रख रखा होगा। एक हम इस तरीके का पढ़ते हैं कि डेल A1 डेल 2A1 अपॉन डेल T1 एंड डेल T2। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एरिया होगा वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर ही वेरी कर रहा है यहाँ पर, कि T1 चेंज होगा तब भी एरिया चेंज हो रहा है, T2 चेंज होगा तब भी एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ऐसे प्रोग्राम से रिलेटेड यदि कोई इक्वेशन बनेगी तो वो कौन सी बनेगी आपके पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटरों को लेकर जो इक्वेशन बनती है वो कौन सी होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है। अब बात आती है कौन सी दूसरी, कि जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो वहां पर, जो कि एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है कि एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड करता है, वाई एक ऐसा फंक्शन है जो कि वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड करता है, एवं जेड भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड करता है, और तीनों एक साथ किसी रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या देखा आपने यहाँ पर कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो तो एक ही है यहाँ पर तीनों में, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो रहे हैं यहाँ पर बार बार।
तो इस कंडीशन में जो भी हम स्टडी करेंगे या जो भी हमारे पास समीकरणों का जो हमारे पास पेयर होगा वो सब किसके अंतर्गत आएगा, युगपत अवकल समीकरण, क्योंकि यहाँ पर एक समीकरण न रहकर हमें अनेक समीकरणें प्राप्त होती हैं। तो जब हमारे पास एक से अधिक समीकरणों का कोई हमें युग में मिलता है या पूरा जोड़ा मिलता है यहाँ पर या कोई कलेक्शन मिलता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, युगपत, कि जो भी हमारा कार्य हो रहा है वो एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो किसके ऊपर कर रहा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी अवकल समीकरण पढ़ेंगे वो कौन सी होगी आपके पास, युगपत अवकल समीकरण। तो क्लियर हुआ आपका कि हम किस चीज को स्टडी करने वाले हैं, हम करने वाले हैं युगपत अवकल समीकरण को। यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज समझ पा रहे हो आप यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो तो एक होगा, लेकिन बात जब आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल की तो वो क्या होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। तो हमारे पास जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या दो से अधिक आएगी तो उस कंडीशन में हम किसकी स्टडी करेंगे, युगपत अवकल समीकरण की यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले एक्सरसाइज में हमें जो भी कार्य करना होगा इस प्रकार की इक्वेशंस को लेकर करना होगा, यानी जो भी इक्वेशंस होगी वो आपके पास सदैव दो या दो से अधिक ही आएंगी वहां पर, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी वो भी क्या आएंगे, दो या दो से अधिक ही आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं युगपत अवकल समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होगी यहाँ पर। तो पहले इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर कि किस चीज को हम युगपत अवकल समीकरण कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं यदि यदि अवकल समीकरण, यदि अवकल समीकरण युग्म के रूप में, यदि अवकल समीकरण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दी गई हो तथा यदि अवकल समीकरण दो या दो से अधिक दी गई हो तथा परतंत्र चरों की संख्या, परतंत्र चरों की संख्या समीकरणों की संख्या, समीकरण की संख्या के बराबर हो तो प्राप्त समीकरणों को युगपत, प्राप्त समीकरणों को युगपत समीकरण या युगपत अवकल समीकरण ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर मेंशन किया यदि अवकल समीकरण दो या दो से अधिक दी गई हो, तो पहली बात तो कि हमें दो या दो से अधिक अवकल समीकरण एक साथ दे रखी हो। अब वहां पर क्या और हो रहा है वहां पर कि परतंत्र चरों की संख्या यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी संख्या क्या हो, ज्यादा हो, कितने बराबर, जितनी आपको समीकरण दे रखी है उतने के बराबर वहां पर। तो उस कंडीशन में हमारी जो समीकरणों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, युगपत अवकल समीकरण कहते हैं उनको हम उस कंडीशन में। इनका मानक रूप किस तरीके से होगा, इनका मानक रूप इस तरीके से होगा, मानक रूप जब परतंत्र चर, जब परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, ज्यादा हो वहां पर, तो उस कंडीशन में पड़ गए जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, दो हो। जब हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में हमारी जो समीकरण का जो मानक रूप हो किस तरीके से होगा, एफ डी एक्स, यहां पर इसको ले रहा हूं एफ डी वन एक्स एफ टू डी वाई इक्वल टू जो भी हमारे पास होगा जीरो, पहला हम इस तरीके से ले रहे हैं। दूसरा ले रहे हैं यहां पर किस तरीके से कि एफ थ्री डी एक्स एंड एफ फोर डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहां पर कि यदि हमारे पास यहां पर जो आपको दे रखा है यहां पर कि जो भी हमारे पास होगा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा यहां पर, वो सॉरी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके होगा, ये भी टी के लिए होगा। तो यहाँ पर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको टी से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर टी से, कि जो भी होगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी होगा, फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी, चाहे आप कह सकते हो एफ थ्री के बाद हम इसको लेते क्यू वन से, तो क्यू वन टी और ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्यू टू टी, इस तरीके से कि जो हमारे पास समीकरण है वो कुछ इस तरीके से हैं,
कि हमारे पास यहाँ पर तो क्या प्राप्त हो गया एफडी, एफडी का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर डी को लेते हुए कोई इस प्रकार का फलन है, जहां पर सारे पद किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, डी की फॉर्म में दे रखे हैं। ये हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, और ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया। तो पहली इक्वेशन भी यहाँ पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो टी के रेस्पेक्ट में है, और दोनों के लिए आपको दे रखे हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर रखा, वो एक्स के लिए भी कर रखा है डिफरेंशिएशन और वाई के लिए भी कर रखा है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर टी, जहां पर आप ये कह सकते हो जहां जो आपको डी दे रखा है तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी डी अपॉन डी टी, कि जो टी है उसका मतलब क्या होगा कि ये विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे पास दो समीकरण है यहाँ पर युगपत, वो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यदि हमारे पास कोई भी समीकरणों का यदि कोई युग्म दे रखा है तो वह हमारा क्या कहलाता है, युगपत अवकल समीकरण कहलाती है हमारी। मैंने आपको इसे अच्छे से समझाई यहाँ पर कि किस तरीके से हमारी ये समीकरणें होती हैं, वो डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल के बेसिस पर हम किस तरीके से समीकरणों को अलग अलग बांटते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि एक तो सिंपल समीकरण होगी जिसमें क्या होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा हमने क्या देखा कि ऐसी समीकरण जिनमें मैनी वेरिएबल हो, मैनी वेरिएबल का मतलब क्या हो गया जिनमें दो से अधिक वेरिएबल हो, तो जब दो से अधिक वेरिएबल हैं तो वहां पर भी हम उन इक्वेशंस को दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग तो क्या होगा कि जहां पर इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में मिलने वाली जो अवकल समीकरण है वो हमें आंशिक अवकल समीकरण मिलती है, जिनकी स्टडी हम यूनिट नंबर 4 तथा यूनिट नंबर 5 में करेंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि जब हमारे पास दी गई समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा दी गई हो, और किन के बराबर दे रखी हो, वहाँ पर जितनी हमारे पास समीकरण है उतने ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में जो समीकरणों का जो युग्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, युगपत अवकल समीकरण कहलाएगा। तो ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो समझने की जो बात थी वो ये वाली थी, युगपत अवकल समीकरण क्या होती है। तो एक बार आप इन चीज़ों को समझिए, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एवं इनकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी हम यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो जितनी भी जो f है या जितनी भी जो हमारे पास ये क्यों है, ये किस तरीके से यहाँ पर f के बारे में ये हम पिछली यूनिट में अच्छे से जाने लगे कि f और d का मतलब हो गया कि एक ऐसा बहुपद जिसमें सारे के सारे स्टेप d के पदों में दे रखे हैं, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर के पदों में आपको दे रखे हैं। क्यों का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें प्रत्येक पद वेरिएबल t के रूप में दे रखा है यहाँ पर, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जहाँ F1, F2, F3, F4 बहुपदी में ये सारे के सारे जो भी हमारे पास फलन है, फलन डी के बहुपद है, डी के बहुपद है, ठीक है। और जो हमारे पास Q1T एवं Q2T है ये दोनों क्या है, Q1T तथा Q2T ये क्या है, T वेरिएबल T के फलन है या चर T के फलन है। इस तरीके से कि पहली बात तो हमारे पास जो F1, F2, F3, F4 हैं वो तो किसके बहुपद है, वो तो D के बहुपद होने का मतलब इसमें सारे टर्म्स किसकी हैं, D की, ठीक है। तो D के अकॉर्डिंग इसमें सारा काम होगा। दूसरी बात किसके लिए आती है कि हमारे पास जो Q1 तथा जो Q2 जो फंक्शन दे रखा है वो कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, टी के ऊपर। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कुछ स्थितियाँ यहाँ पर दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो इन्हीं प्रश्नों को यदि हमारे पास इस तरीके के प्रश्न होंगे युगपत अवकल समीकरण वाले, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो उनकी वर्किंग प्रोसीजर पढ़ेंगे यहाँ पर एवं कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम यहाँ पर ये समझेंगे कि वास्तव में हमारे पास यदि युगपत अवकल समीकरण हमें दिए गए हों तो उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से हमने देखा कि यदि पहली जो इसकी विधि है युगपल अवकल समीकरण के हल, तो युगपद अवकल समीकरण के हल सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतीकात्मक विधि। प्रतीकात्मक विधि, प्रतीकात्मक विधि को हम समझ लो। यहाँ प्रतीकात्मक विधि क्या होगी कि इस विधि के अंतर्गत क्या होगा, एक तो प्रतीकात्मक विधि, दूसरी आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। तो प्रतीकात्मक विधि का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर इसमें होगा, यानी जो भी आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया होगा उसको आप ये मत समझो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, बस उसको आप एक वेरिएबल की तरह उसके वहां पर क्या करो, उसके साथ बिहेव करो, ठीक है। और जैसा आप साधारण समीकरण को हल करते हैं वैसा उन समीकरण को एक बार हल कर लो और किसी एक वेरिएबल में उन्हें आप सोल्व कर लो, बाद में जो प्राप्त आंसर है उसको आप बाकी समीकरणों से सेटिस्फाई कराओ और जो दूसरा रिजल्ट है वो भी आप वहां पर उसका फाइंड आउट करो। तो ये हमारी कौन कहती है, प्रतीकात्मक विधि कहती है कि इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारी दी गई समीकरण में जितने भी सिंबल्स दे रखे हैं उनको केवल इंडिकेशन के तौर पर मानते हैं कि जो हमारे पास डी होगा उस डी को हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ने मानकर सिंपल एक वेरिएबल्स के रूप में वहां पर उसको मानते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लिखूं यहां पर कुछ समीकरण, तो उनको हम किस तरीके से प्रतीकात्मक विधि में हल करेंगे, ये हम किस तरीके से उसको मानेंगे ये हम समझेंगे यहां पर। तो जैसे कि हमारे पास एक समीकरण है यहां पर, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 7xy, एग्जाम्पल जैसे यहां पर दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 7y इक्वल टू 0, एक तो ये दे रखा है आपको और साथ में जिसका दूसरा पार्ट दे रखा है यहां पर है माइनस का 7x+y, 7x+y इक्वल टू 0, और दूसरी इसके जो सात समीकरण दे रखी है वो है dy upon dt माइनस का 2x माइनस का 5y, माइनस का 2x एंड माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें जो पेयर दे रखा है ये हमारा क्या कहलाता है, युगपद अवकल समीकरण कहलाता है। अब हम इनको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास दो विधि, एक है प्रतीकात्मक विधि, एक आपकी विलोपन विधि। तो सबसे पहले बात आती है प्रतीकात्मक विधि की, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर। तो प्रतीकात्मक विधि में किस तरीके से इनको प्रतीकों में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो बात आती है यहाँ पर प्रतीकात्मक विधि की, तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर दिख रहा है यहाँ पर, तो हमने इसको क्या ले लिया कि इसको हमने क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं यहाँ पर, केवल एक सिंबल के रूप में। यहाँ पर माइनस के 7 है तो माइनस का 7 कह दिया, और दोनों में के ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वर्क कर रहा था, देखो किसमें थी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में थी समीकरण, और किसके ऊपर वर्क कर रहा था, वो वेरिएबल एक्स के ऊपर वर्क कर रहा था टी यहाँ पर, ठीक है। आगे देखा यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो मैंने क्या किया दोनों में से इसको अलग कर लिया। यहाँ पर अलग करने से आप जानते हो कि जब राइट हैंड साइड में इनको लिखा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर के ऊपर, तो वहां पर ये माना जाता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के ऊपर कार्य कर रही हैं या ये उनके साथ कार्य करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो इसके साथ एक साथ कलेक्ट हो गए, बाकी क्या बचा, प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां से देखा, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि एक्स तो हमारे पास अकेला था तो हमने माइनस 2x तो यहां लिख दिया, अब y वाला दोनों को एक साथ ले लिया तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, डी माइनस 5 और साथ में क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी समीकरण इस तरीके से यहां पर आ गई, ठीक है। तो दोनों समीकरण हमने यहां पर लिख ली। अब यहां पर किया क्या हमने, सिर्फ इसको प्रतीकों में चेंज किया है यहां पर, कि जो इस तरीके का था आप इसको ये मत मानो, आप इसको मानो कि ये तो पूरा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। और जैसे हम साधारण रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, जैसे हमारा होता है ना सिंपल कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर सी वन बराबर जीरो एवं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू प्लस सी टू बराबर जीरो, तो वो साधारण रैखिक समीकरण होती है हमारी, तो उनको जैसे हल करते हैं ठीक उसी प्रकार से इनको भी आप किसी एक वेरिएबल के लिए उनको सॉल्व कर लो, और बाकी जैसे ही उसकी वैल्यू मिल जाए बाद में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को उठाकर पहले वाले में रख लेंगे, जिससे कि वाई की मान भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखो आपको किसी एक वेरिएबल में इसको सॉल्व करना होगा,
तो हमारे पास यहाँ पर देखो इस वाली में डी माइनस फाइव अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या नहीं अवेलेबल है, डी माइनस फाइव अवेलेबल नहीं है। तो क्यों ना हम समीकरण नंबर जो एक है इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, किससे, डी माइनस फाइव से। तो समीकरण एक को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डी माइनस फाइव से। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा कि डी माइनस सेवन एंड डी माइनस फाइव, ठीक है, बन गया। साथ में क्या है, x यहाँ पर, तो x लगा दिया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी माइनस फाइव वाई, डी माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, दिखाई दे रहा है सभी को। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। अब आगे क्या होगा, सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का डी माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ऐसा करने पर हमारे पास दोनों चीजें देखो एक जैसी हैं, यहाँ पर d माइनस फाइव वाई भी मिल गया और यहाँ पर भी मिल गया, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। तो समीकरण में से समीकरण को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से कि d माइनस सेवन डी माइनस फाइव, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी माइनस सेवन डी माइनस फाइव तो हो गए, और घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का दो, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे गुणा करके। तो हमारे पास जैसे पिछले हमने यूनिट्स में या पिछली जो एक्सरसाइज में हमने जो साधारण है अचर गुणांकों की जो समीकरण पढ़ी थी या जो चर गुणांकों की समीकरण पढ़ी थी, उनमें से किसी न किसी रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां से उन विधियों को हम जानते हैं सोल्व कैसे करते हैं, तो उनके माध्यम से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं इसको, तो यहां से हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से सोल्व करने पर यहां से हमारे पास आ जाएगा d माइनस सेवन एम डी माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा d स्क्वायर, यहां से मिलेगा, देखो ये तो माइनस का 5d देगा, ये माइनस का 7d देगा, तो दोनों मिलकर माइनस से कितने हो गए, माइनस के 12d हो गए, और यहां से कितना आ गया, सात पर जो 35 यानी 35 आ गया, और साथ में कितना है, एक्स इक्वल टू जीरो। जहां पर आप ये भी मेंशन कर देना कि जो हमने डी यूज में लिया है, डी का मतलब कितना है, डी अपॉन डी टी है, ठीक है। तो इस समीकरण को एक नाम दे लेता हूँ, समीकरण नंबर तीन। तो क्या कहेंगे कि समीकरण तीन अचर गुणांकों, समीकरण तीन अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, कि हमारे पास जो समीकरण तीन है वो क्या है, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। अचर गुणांकों की का मतलब इसके जो कोफिशियंट है वो सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि ऐसा है तो इसका तो आप जानते हो किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए आपके पास हमारा तरीका होता है कि सी एफ तथा पी आई फाइंड आउट करना। तो यहाँ से इसका पी आई तो फाइंड आउट हो नहीं सकता क्योंकि इसके बराबर में कितना है, जीरो, यानी क्यू इसमें, क्यू एक्स इसमें अवेलेबल ही नहीं है, या यूँ कहें क्यू टी, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था तो उसके संगत जो फंक्शन मिलेगा वो हमें क्यू टी मिलता, तो वो क्यू टी हमारे पास है ही नहीं, तो इस कंडीशन से इसका जो पी आई था वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि निकाल पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि है ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से। तो हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो सी एफ है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इस समीकरण की पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सहायक समीकरण। तो हमने लिखा समीकरण तीन के लिए, समीकरण तीन के लिए सहायक समीकरण। तो समीकरण तीन के लिए सहायक समीकरण क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का 35 इक्वल टू जीरो, हो गया, आ गया 35 हमारे पास। अब इस समीकरण को सोल्व करना है, तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो टुकड़े पॉसिबल है इसके बिल्कुल, कि एक तो एम स्क्वायर माइनस का 7m आ जाएगा, एक माइनस का 5m आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस के 12 आ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो 35 आ रहे हैं बिल्कुल बराबर जीरो। इसको भी यदि आप सोल्व करो तो इसके दो वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो एम माइनस 7 आ जाएगा और एक एम माइनस 5 आ जाएगा, दो टुकड़े इसके इस तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि दोनों को गुणा करूंगा पॉजिटिव, यहाँ से 7 और वहाँ से वो माइनस के 5m, दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस के 12m यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े मिल गए यहाँ से। अब यहाँ से इसको मैं सोल्व करूँ तो एक तो m की वैल्यू 5 आ रही है, एक m की वैल्यू 7 आ रही है, दो वैल्यू आ गई यहाँ पर m की। अब m की दोनों वैल्यू आ गई तो सी एफ मुझे लिखना है, तो सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, c1 e की पावर m, m की वैल्यू कितनी 5, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t, तो क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 5t। दूसरा आ जाएगा c2 e की पावर 7t आ जाएगा, क्योंकि 7 है यहाँ पर, हो गया। अब हम कैसे लिखते हैं समीकरण का आंसर, हम समीकरण का आंसर लिखते हैं कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हमारी समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, x था, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x बराबर cf प्लस pi, ऐसा होगा।
अब यहाँ पर जब पीआई है ही नहीं तो क्या लिखोगे उसकी जगह जीरो लिखोगे, तो फाइनली समीकरण का आंसर क्या हो जाएगा, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल हमें क्या मिलेगा, हमें समीकरण का हल मिलेगा x बराबर क्या मिलेगा सी वन ई की पावर 5t एंड क्या आ जाएगा सी टू ई की पावर 7t। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस समीकरण का एक आंसर होगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, चार नंबर के रूप में यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। अब एक दिक्कत आई यहाँ पर कि चलो आपने हल भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ सिर्फ एक ही आंसर आपको मिला, तो दूसरा कहाँ से प्राप्त करोगे, क्योंकि हमारी समीकरण में तो दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो दोनों के दोनों निकलने चाहिए थे। यानी हमें हमारे जो आंसर है वो किस तरीके से मिलना चाहिए, कि एक तो इस तरीके से मिलना चाहिए कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, एक तो ये आंसर होना चाहिए था, एक आना चाहिए था कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, कि दो फंक्शन आपको मिलने चाहिए थे इस तरीके से, जो एक तो x को बिलोंग करता हो और एक y से रिलेटेड हो, एक तो x से रिलेटेड हो और एक किस से रिलेटेड हो, y से। तो इस तरीके से हमारे पास दो फंक्शन हमको मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ एक ही फंक्शन मिला, देखो यहाँ पर पहले वाला, क्योंकि यहाँ पर t तो है, यानी ये तो मिल गया हमें कौन सा, कि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। अब दूसरा और हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए या तो क्या करें हम यहाँ पर, कि जो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया उसको उठाकर कहाँ रख दें, यहाँ पर, और फिर इसको कैलकुलेट कर लें y को, तो समीकरण इसी समीकरण से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दिया है आपको, दे के रखे हैं, आपको दे रखे हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 7x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। हमें y ज्ञात करना है तो y को अकेला कर लिया, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, देखो यहाँ से कि 7x माइनस का डी एक्स अपॉन डी टी, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 7x, x की वैल्यू तो मैं वहाँ से लिख लूँगा, कहाँ से, जो अभी प्राप्त किया, तो कितने आ जाएगी सी वन ई की पावर 5t एंड सी टू e की पावर 7t आ गया। फिर माइनस का dx अपॉन dt, तो माइनस का dx अपॉन dt भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कैसे, इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू c1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहां पर, जब हम इसको किसको, x को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर हमें मिलेगा c1 e की पावर 5t, और जो 5t का दोबारा किया तो 5 हमें यहां पर फिर से मिल गया। आगे देखो दोबारा माइनस का, ये भी क्योंकि नेगेटिव साइन है ना बीच में, तो इसकी वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोबारा क्या मिलेगा c2 e की पावर 7t, और जब 7t का दोबारा किया तो 7 यहाँ पर भी हमें और मिल गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको और सोल्व करूँ तो यहाँ से देखो दोनों में एक जैसे पद है यहाँ पर, तो 7 में से कितने जा रहे हैं 5 जा रहे हैं, यहाँ पर देखो समान है ना दोनों में, 7 में से कितने जा रहे हैं 5, तो कितने बचे 2c1 e की पावर 5t, एक तो ये आ गया, यहाँ देखो यहाँ कितना आया 7, और 7 में से कितने जा रहे हैं पूरे पूरे 7 जा रहे हैं यहाँ पर, 7 यहाँ पर है कि 7c2 e की पावर 7, और यहाँ पर भी कितने मिल गए आपको कि 7, यहाँ पर भी उतना ही मिला है बिल्कुल कि 7c2 e की पावर यहाँ पर, तो यहाँ से देखो 7 में से 7 जब चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पूरा पूरा 0, तो हमें सिर्फ एक ही पद मिला यहाँ पर कि y इक्वल टू 2c1 e की पावर 5t। तो इस तरीके से हमारे पास यदि कोई युगपत समीकरण होगा तो हम उसे प्रतीकात्मक विधि द्वारा इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है,